मनासा द्वारिकापुरी में पहुंचे महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री ने लगाए कांग्रेस पर आरोप, देखिए पूरी। महाराष्ट्र सरकार के ऐसे मंत्री जिनने 50 करोड़ पेड़ लगाकर अपना संकल्प पूरा किया है, ऐसे संकल्प पान ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व आदरणीय सुधीर जी मुनगंटीवार हमारे बीच में उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियों के साथ। और आज हमारे मोर्चों का सम्मेलन, सभी मोर्चे यहाँ उपस्थित है और ये उपस्थिति आपको बता रही है कि हमारे मोर्चे यहाँ पर कितने सक्रिय है, हमारे कार्यकर्ता कितना सक्रिय है, तो कितनी ईमानदारी से काम करता है क्षेत्र में, लोगों के बीच जाकर ये तो होता ही है कि दिखावे का काम होता है। लेकिन मैं आपको निवेदन करूं कि ये मालवा की सबसे पवित्र धरती है, जहाँ सबसे ज्यादा हम औषधि फसलों का उत्पादन करते हैं, सबसे ज्यादा मसाला फसलों का उत्पादन करते हैं और सबकी कृपा रखी है। वो धरती है जहाँ प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया, हमारे कुपरेश्वर जैसे गांव से आदरणीय परम आदरणीय स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी पटवा साहब जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, ऐसा एक क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र है और ये ठाकरे जी की कर्म भूमि रही है। परम आदरणीय सम्माननीय कुशा भाऊ ठाकरे साहब का ये कर्म स्थली रही है जहाँ से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और ये उनके द्वारा खड़े हुए कार्यकर्ता पीढ़ियां चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्यकर्ता वैसे ही आ रहे हैं जैसे उन्होंने गढ़े थे, वैसे ही कार्यकर्ता आज भी हमारे क्षेत्र में मौजूद है। और हमें कहते हुए गर्व होता है, हमको सुनते हुए गर्व होता है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भारत में, फिर से हम भगवा फहराएंगे। आज मैं धन्यवाद दूंगा कि ये सारे मोर्चे जागृत हैं और इतना बड़ा ये पंडाल तो छोटा पड़ गया आपका, पंडाल के बाहर तक लोग बैठे हैं, इसलिए एक बार इन कार्यकर्ताओं के लिए सब आपस में ताली बजा दो। अरे माता की वंदे वंदे। मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी को जन जन के पहुंचाने वाले स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के इस जन्मभूमि को नमन करता हूं, जिन्होंने देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को संगठन शक्ति सिखलाई। ऐसे स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे इनके कर्म भूमि को भी नमन करता हूं। गांव में पूरी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ, देशभक्ति के साथ देश के विकास की गति में बाधा डालने वाले को चारों खाने जीत करने का आशीर्वाद आपको भगवान महादेव दे, ऊर्जा दे। ये देव दानवों की लड़ाई में, सत्य असत्य की लड़ाई में, धर्म धर्म की लड़ाई में, विकास विनाश की लड़ाई में, प्रगति अधोगति की लड़ाई में हमारा देश जीतना चाहिए, विकास का कमल विजयी होना चाहिए, ये आज का हमारा संकल्प होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर कोई बात मन में लाता है तो मैं विश्वास से 30 वर्षों से 6 बार से विधायक हूँ, मैं विश्वास के का साथ कह सकता हूँ अगर कार्यकर्ता ने मन में संकल्प किया, कार्यकर्ता ने मन में तय किया, कार्यकर्ता ने विजय का भाव निर्माण किया तो यहाँ बहन प्रियंका जी नाम से भी आई और भाई राहुल जी भारत जोड़ो की पदयात्रा के बाद यहाँ पदयात्रा करते घूमे, फिर भी भाजपा के कार्यकर्ता के राष्ट्रभक्ति के सामने इनके जहरीले विचार वहीं नष्ट हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। कांग्रेस के कार्यकर्ता
सोना पहनकर फटे कपड़े बेचने का काम करते हैं, सोना पहनकर फटे विचार जनता को परोसते हैं। और हमारी अवस्था ऐसी है, फटे कपड़े पहनकर हम सोने जैसा राष्ट्रभक्ति का विचार भी जनता को परोसते हैं।